गाइज अब राइटिंग की भी टास्क वन टू की बहुत इजी सैंपल आंसर वाली वीडियोज़ आ रही हैं हे गाइस सूरज दिस साइड वेलकम बैक टू योर फेवरेट ये चैनल आश्वी सूरज आई एम आल्सो ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर दिस यू गाइस कैन आल्सो ज्वाइन माय व्लॉगिंग चैनल गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग पीडीएफ है वो अब अवेलेबल हो चुका है जिसमें ऑल क्यू कार्ड्स जम्बू क्यू कार्ड्स प्रोनाउंसिएशन ईडीएम पार्ट वन फॉलोअप्स और भी बहुत कुछ है सो so, आगे हम बात करने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्न इन योर चाइल्डहुड वेल उस स्किल के बारे में डिस्क्राइब करें कला के बारे में डिस्क्राइब करें जो आपने अपने चाइल्डहुड यानी कि बचपन में सीखी हो यह जैन टू अप्रैल 2024 का न्यू ही क्यू कार्ड है विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी आप मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही ईजी मैथड में प्रिपेयर किया है अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आपको स्क्रीन पर शो हो रही है और मेरे कोर्सेज पर गाइस 50 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है जल्दी जल्दी से अपनी आयल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आगे इसके बुलेट पॉइंट्स है फर्स्ट इज व्हाट द स्किल वाज यह स्किल क्या थी हु टॉट यू दिस स्किल वेल किसने आपको यह स्किल सिखाई हाउ दे टॉट यू कैसे उन्होंने आपको सिखाई एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट और एक्सप्लेन करें क्यों यह महत्वपूर्ण है हो सकता है बुलेट पॉइंट्स एग्जाम में गायस डिफरेंट आ जाए बट फिर भी आप सेम सैम्पल आंसर बोल सकते हो बहुत ईजी वे में बनाया है एंड गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग पीडीएफ है वो अवेलेबल आप नीचे दुए नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हो अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो सो so, स्टार्ट करते हैं वेल आई बिलीव इन लर्निंग एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू वेल मुझे सीखने में बहुत यकीन है और हमेशा ही कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ हेर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ कुकिंग स्किल विच आई लर्न वेल आज मैं कुकिंग स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने सीखी बट इट वॉज़ रियली अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी बट यह सचमुच मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था आई लर्न Skill स्किल ड्यूरिंग लॉकडाउन इन कोविड नाइनटीन वेन आई वॉज फ्री एट होम के दौरान फ्री था इट वॉज दूट वह सबसे बेस्ट टाइम करने का so जैसे कि मैंने प्लान किया था अपनी हायर एजुकेशन का के लिए, so स्किल सीखनी मेरे लिए बहुत जरूरी थी अपने आप के लिए खुद के लिए वहां पर फूड प्रिपेयर करने के लिए बिफोर लर्निंग दिस आई डिडेंट हैव नॉलेज अबाउट कुकिंग वेल इस स्किल को सीखने से पहले मुझे कुकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था देन डिसाइडेड टू लर्न दिस स्किल विद द हेल्प ऑफ माई मदर एज शी इज वेरी गुड कुक एंड मेक डिश इज वेरी डिलीशियस वेल तो मैंने फैसला लिया अपने मदर की मदद से सीखने का स्किल को क्योंकि वह बहुत अच्छी कुक है और वह बहुत स्वादिष्ट डिलीशियस डिशेज बनाते हैं हाउ एवर इट वॉज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी टू लर्न आई वॉज टेकिंग टू मच टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेल यह मेरे लिए आसान काम नहीं था सीखना क्योंकि मैं बहुत टाइम ले रहा था प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए इवन आई टुक अलॉट ऑफ टाइम टू लर्न द स्पाइस नेम इ मैंने बहुत टाइम लिया स्पाइसिस मसालों के नेम्स को याद करने में आई फेल्ड मैनी टाइम्स टू एड प्रॉपर इन्ग्रीडियंट्स एंड स्पाइसिस इन वेजिटेबल्स एंड शी यूज टू टीच मी इन अ वेरी पोलाइट मैनर अगेन एंड अगेन वेल well, मैं बहुत बार फेल हुआ प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स एंड स्पाइसिस ऐड करने में वेजिटेबल्स में बट वे अक्सर ही मुझे प्लाइट मैनर में दोबारा दोबारा सिखाते थे एंड आल्सो इंस्पायर्ड मी टू लर्न और मुझे मोटिवेट भी किया सीखने के लिए बिसाइड्स दिस इसके अलावा द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ कुकिंग वॉज लर्निंग अबाउट राउंड फ्लैट ब्रेड इसके अलावा जो सबसे मुश्किल काम था कुकिंग में वो था राउंड फ्लैट ब्रेड बनाना सीखना आई वॉज नॉट एबल टू शेप इट प्रॉपरली और समाइम्स इट वॉज हार्डर टू इट वल मैं प्रॉपरली उसे शेप नहीं कर पा रहा था और कभी कभी तो यह बहुत हार्ड थी खानी देन शी एडवाइज मी अबाउट द क्वानिटी ऑफ डो इन ऑर्डर टू गिव राउंड शेप टू ब्रेड और चपाती वेल तो अब उन्होंने मुझे एडवाइस दी यानी कि सलाह दी डो की क्वॉंटिटी को लेकर ताकि मैं राउंड शेप दे सकूँ ब्रेड और चपाती को एंड आई डिट लोज माई होप एंड आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ अराउंड वन मंथ आई लर्न कुकिंग स्किल माई टीन एज वेल मैंने हिम्मत नहीं हारी उम्मीद नहीं छोड़ी और एक महीने के हार्डवर्क के बाद मैं कुकिंग स्किल सीख गया अपनी टीन एज में ही इन एडिशन इसके साथ ही आई और इसके साथ ही मैंने कुछ नई डिशेज भी सीखी यूट्यूब चैनल की मदद से मतलब मदद आफ्टर लर्निंग दिस स्किल आई फेल्ट ओवर द मून बिकॉज नाव आई एम नॉट डिपेंडेड ऑन एनी वन फॉर फूड वैल इस स्किल को सीखने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि अब मैं किसी पर फूड के लिए डिपेंड नहीं हूँ नाउ आई कंसिडर माई सेल्फ अ गुड कुक एंड ऑन वीकेंड्स आई मेक न्यू डिशेज टू सर्व माई फैमिली वैल मैं अब अपने आप को एक अच्छा कुक मानता हूँ और वीकेंड्स पर मैं अपनी फैमिली के लिए नई डिशेज भी बनाकर सर्व करता हूँ सो दिस इज द चैलेंजिंग स्किल विच आई लर्न सो यह एक चैलेंजिंग स्किल है जो मैंने सीखी गा इज

गायज जो नीचे आपको सब्सक्राइब के ऑप्शन दिख रही है सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप यू गाइस विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेज यू गॉइज कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम आई एंड फॉर माई स्पेशल पी यू गायज़ कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर डोंट फॉर टू लाइक शेयर थैंक यू सो मच गायज़